हे भगवान 2024 कभी ना आए। 2024 में आ सकता है सबसे बड़ा भूकंप। 2024 में एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मचेगी। कई देशों पर आक्रमण होगा। एलियंस कर सकते हैं धरती पर हमला। एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा और यदि गलती से यह पृथ्वी से टकराता है तो सब कुछ हो जाएगा, दी एंड। दस्तक दे सकती है एक और बड़ी महामारी। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं जो फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस और भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास के साथ ही जर्मन भविष्यवक्ता बाबा बेंगा ने 2024 को लेकर की हैं। इन्होंने 2023 को लेकर जो भविष्यवाणियां की थीं वह 100% सच साबित हुई हैं और अब 2024 में भी उनकी भविष्यवाणियां सत्य होना निश्चित है। जानेंगे 2024 को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबा बेंगा ने 2024 को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं। आपको बता दें कि बाबा बेंगा बुल्गारिया की भविष्यवक्ता हैं। बेंगा को नास्त्रेदमस फ्रॉम द बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। मूल नाम बेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म सन 1911 में हुआ था। 12 साल की उम्र में आंखों में तूफान के कारण मिट्टी भर गई थी जिसके चलते उनकी दृष्टि चली गई और तभी से उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। बाबा बेंगा को रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया था। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई थी। बाबा बेंगा ने फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थीं, जो सच निकली। बाबा बेंगा ने अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमरीकी होगा और बराक ओबामा अमरीकी राष्ट्रपति बने। जार बोरिस 3 की मौत की तारीख, चेको स्लोवाकिया का अलग होना, लेबनान में दंगे, निकारगुआ में युद्ध, साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, यूगो स्लोवाकिया का अलग होना, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, चेर्नोबल में न्यूक्लियर हादसा, स्टालिन की मौत की तारीख, सीरिया में सिविल वार, क्रीमिया का अलग होना आदि की भविष्यवाणियां कर चुकी थीं, लेकिन तब तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। बाबा बेंगा ने प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी की थी और उनके निधन के बाद उनकी इस भविष्यवाणी पर लोगों का यकीन और पक्का हो गया था। अब साल 2024 के लिए उन्होंने एक और हलचल पैदा करने वाली भविष्यवाणी की है। अपनी इस भविष्यवाणी में उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत को लेकर भविष्यवाणी की है। बाबा बेंगा ने बताया है कि पुतिन की मौत के लिए एक रूसी नागरिक ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने साल 2024 में एक और भयंकर आपदा आने की भविष्यवाणी भी की है। बाबा बेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि आने वाले वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने मौसम परिवर्तन की घटनाओं के साथ साथ रेडिएशन के स्तर में वृद्धि की संभावना का भी उल्लेख किया है। बाबा बेंगा ने यूरोप में आतंकवाद में वृद्धि की भविष्यवाणी भी की है। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया है कि एक बड़ा देश आगामी वर्ष में जैविक हथियार परीक्षण या हमलों में शामिल हो सकता है। हालांकि अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने उस बड़े देश की पहचान का खुलासा नहीं किया है। आपके हिसाब से यह कौन सा देश हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। कई चुनौतीपूर्ण भविष्यवाणियों के बीच लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। उन्होंने मेडिकल डिस्कवरी को लेकर एक पॉजिटिव बात की है। उन्होंने कैंसर और अल्जाइमर रोग दोनों के इलाज के विकास की भविष्यवाणी की है। बाबा बेंगा की यह भविष्यवाणी लोगों के लिए एक आशा की किरण की तरह है। बाबा बेंगा ने साल 2024 के लिए साइबर हमलों में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी भी की है।
इसमें उन्होंने बताया है कि हैकर्स पावर ग्रिड और जल उपचार संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। बाबा बेंगा ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता की भविष्यवाणी भी की है। पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण छलांग की आशंका जताई है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग में वृद्धि की भविष्यवाणी की है। 2024 में AI का बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ने वाला है और आगे चलकर यह मानव जाति के लिए खतरा भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं 2024 को लेकर नास्त्रेदमस ने क्या लिखा है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के दावे के अनुसार 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। 2025 तक यह संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से एक ही सत्ता के नीचे कायम हो जाएगी। 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले ही जान लेगा। भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन होने वाला है। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमय हैं और हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी। इस दौर में मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट होगा। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है, लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष में ही हो सकती है जहां जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता, पांच नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान साइरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा सिंह वाला धूमकेतु तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना स्टार वार्स में मिलेनियम फाल्कन अंतरिक्ष यान से भी की है। अगले साल 2024 में 21 अप्रैल को यह पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, तब इसे लोग देख सकेंगे। वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु को 12P पॉन्स ब्रुक्स नाम दिया है और इसे क्रायोवोल्केनिक धूमकेतु के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसे ठंडे ज्वालामुखी धूमकेतु के तौर पर भी जाना जाता है। इसका साइज डायमीटर 30 किलोमीटर है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस उल्कापिंड की बात चल रही है उसका नाम है वेनु। यह उल्कापिंड हर 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकलता है। यदि गलती से भी यह धरती की ओर चला आए तो तबाही तय है, लेकिन नासा ने इससे बचने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा उल्कापिंड हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब में
लिखा है कि एक मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबा देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। तबाही के बाद शांति होगी। इस शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटों का अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा। आइए अब जानते हैं स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका में लिखी 2024 की भविष्यवाणियों के बारे में। संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छा जाएंगे। किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। धरती की धुरी में अचानक परिवर्तन होगा। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। उल्लेखनीय है कि कोलंबिया के गांव में हाल ही में अचानक एक साथ 2 सूर्य दिखाई दिए थे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए थे। एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी उल्कापिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त लोग छातियां बट ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2029 तक कभी भी हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।